नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं चीकू का हलवा। तो ये हलवा बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने चीकू लेकर उसका बीज अलग कर लिया और छिलका निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्सर में डालकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ हमने चीकू का पल्प 2 कप लिया है, दूध 1 कप, मावा 1/2 कप लिया है, शक्कर 1/2 कप, घी लिया है 2.5 से 3 टेबलस्पून घी है, कुछ ड्राई फ्रूट्स है और इलायची पाउडर। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम भारी तले की कढ़ाई लेकर उसमें 2 टेबलस्पून के लगभग घी डालेंगे। अब इसमें चीकू का पल्प डालकर उसे हमें धीमी आंच में भूनना है। थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम इसे भूनेंगे, यानी कि 5-7 मिनट तक हमें इसे भूनना है। आप घी की मात्रा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं दूध। अब दूध डालकर हम इसे दूध में पकाएंगे। अब मिश्रण जल्दी से गाढ़ा करने के लिए आप चाहे तो गैस की फ्लेम को तेज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे लगातार हिलाना होगा। तो इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। अब हमारा मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। डालते हैं इसमें शक्कर की मात्रा आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। चीकू मीठा फल है इसलिए हम इसमें कम शक्कर डालते हैं। तो इस तरह से इसे थोड़ा और गाढ़ा होने तक पका लेते हैं हम। अब इसमें हम डालेंगे मावा। तो 1/2 कप मावा लिया है हमने यहाँ। यदि आपके पास मावा नहीं है तो आप मिल्क पाउडर ले लें 1/2 कप, और उसमें पानी या दूध डालकर उसे घोल कर और इसमें डाल सकते हैं। और यदि मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप क्रीम ले लीजिए या घर की बनी मलाई ले लीजिए 1/2 कप, और इससे भी डालकर और इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह हमारा हलवा लगभग तैयार है। अब हम इसमें बचा हुआ 1 टेबलस्पून घी डालकर और इसे अच्छी तरह से कढ़ाई छोड़ने तक और थोड़ा पका लेंगे। तो अब हमारा हलवा तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। तो ये पौष्टिक और झटपट हलवा तैयार है। इसे आप बच्चों को भी दीजिए और मेहमानों का भी स्वागत कीजिए। तो ज़रूर बनाकर देखिए। धन्यवाद।